तो जैसा कि सामने आप बाइक को देख सकते हैं, आपकी बजाज पल्सर 220 है। फाइनली इस बाइक में भी अब आपको अपडेट यानी कि कुछ नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि नज़ारा आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, तो 2024 लेटेस्ट मॉडल है। यहाँ पर आपको नए ग्राफिक्स भी देखने को मिल जाते हैं, साथ ही में आपको कौन कौन से नए फीचर्स इसके अंदर मिलते हैं, क्या क्या चेंजेस है, सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। न्यू ऑन रोड प्राइस क्या है, बाइक से आपको माइलेज कितना मिलेगा, टॉप स्पीड वगैरह, सारी इन्फॉर्मेशन इस बाइक से रिलेटेड आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहो, बाकी वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम पास के। चलो चलो चलो, तो यार स्टार्ट करते हैं बाइक की कीज से। तो की यहाँ पर आपको वेव की मिल जाती है, इसको लगाते हैं इग्निशन में। अभी आपको इसमें फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है, जिसमें आपको काफ़ी सारे नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी भी अब आपको इसमें मिल जाते हैं, जैसे कि दोनों ही साइड से आप इंडिकेटर्स वगैरह देख ही सकते हैं, न्यूट्रल इंडिकेटर, एबीएस इंडिकेटर और बाकी सारी चीज़ आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, सारे ही फीचर्स मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको गियर इंडिकेटर नहीं मिलता, वो चीज़ यहाँ पर मिसिंग है, मगर क्यों। उसके बाद ऊपर आपको आरपीएम मीटर मिल जाता है, टाइम आप यहाँ पर देख सकते हैं, और रीफ्यूल की वार्निंग मिल जाती है। नेविगेशन यहाँ पर आपको जो है देखने को मिल जाएगा, नेविगेशन का फीचर मिल जाता है। यहाँ पर आपकी जो है फ्यूल की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, रियल टाइम माइलेज का आपको फीचर मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको जो है पल्सर का कोड देखने को मिल जाता है ऊपर। उसके बाद ट्रिप ए का आप माइलेज देख सकते हैं, ट्रिप बी का माइलेज। उसके बाद वार्निंग, सेटिंग और रियल टाइम माइलेज, कुछ ऐसा फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है। किलोमीटर रेंज वाला फीचर फ़िलहाल यहाँ पर नहीं दिख रहा है, जो कि इसके अंदर होना चाहिए। तो ये सारे आपको फीचर्स मिल जाते हैं, और मीटर जो है स्टार्ट कुछ इस तरीके से होता है। सर्विस रिमाइंडर वगैरह ये सारे आपको फीचर्स इसके अंदर मिल जाएंगे। उसके बाद इस साइड में अब आपको मोबाइल चार्जिंग का फीचर भी मिल जाता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर काफ़ी सही फिट हो गई। बाकी इसमें जो डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है, पहले आपको एनालॉग एंड डिजिटल का कॉम्बिनेशन मिलता था, तो इसको फिट होने में पल्सर 220 लवर्स के दिलों में फिट होने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा। बाकी कुछ ऐसे यहाँ पर आपको फीचर्स मिल जाते हैं, स्विचेस यहाँ पर आप देख सकते हैं। उस साइड से जाके मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। यहाँ पर स्विचेस आप देख सकते हैं, इंटीग्रेटेड लो बीम हाई बीम पासिंग आपको स्विच मिल जाएगा। उसके बाद मोड का स्विच मिल जाता है, इसके मीटर कंसोल को आप यहाँ से जो है ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद इंडिकेटर का स्विच है और हॉर्न का स्विच यहाँ पर आपको मिल जाता है। हॉर्न साउंड काफ़ी तगड़ा है, सुनाने के बाद जो है शोरूम वाले थोड़ा सा चौंकने वाले हैं। तो कुछ ऐसा तगड़ा हॉर्न साउंड आपको मिल जाता है, जैसा कि हॉर्न यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद राइट साइड में आपको किल स्विच मिलता है और सेल्फ का स्विच नीचे मिल जाता है। और स्विचेस में यहाँ पर आपको बैक लाइट देखने को मिल जाती है, जो कि नाइट के टाइम काफ़ी सही लगती है। ये करी ना आपने बात। तो अभी आपको न्यू पल्सर 220F 2024 लेटेस्ट मॉडल की ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है 1,73,000 के आसपास। बाकी आपको जो है ना स्टेट बाय स्टेट ऑन रोड प्राइस में डिफरेंस थोड़ा बहुत मिल सकता है। उसके बाद शोरूम की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ पर विजिट करके बाइक की इंक्वायरी भी कर सकते हैं, और साथ ही में अगर आप चाहो तो टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। बाकी अभी आप 220F का नया लुक देख लो, नए ग्राफिक्स इसके अंदर आपको मिल जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको 220F की बैचिंग और उसके बाद ये सारे ग्राफिक्स मिलते हैं। यहाँ पर 220 का आपको नए ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, पल्सर का 3D लोगो है। बाकी ये सारे ग्राफिक्स ब्लैक एंड रेड का यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। ऊपर भी यहाँ पर आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है, टैंक पैड है और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। न्यू लुक कुछ ऐसा मिल जाता है, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, और फ्रंट से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ ऐसा जो है फ्रंट लुक आपको देखने को मिल जाता है, और ये आपको ग्राफिक्स इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। बाकी कार्बन फाइबर फिनिश आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, कुछ ऐसा आपको न्यू पल्सर 220F का लुक देखने को मिल जाता है। बाकी फ्रंट से आप बाइक को देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ऊपर फोल्डेबल मिरर्स मिल जाते हैं। बाकी ये बड़ा सा वाइजर है, बजाज का लोगो है, हेलोजन में यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट का सेटअप मिल जाता है। LED का फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, हेलोजन में ही सारी चीज़ें मिल जाती है, जैसा कि मैं आपको ऑन करके भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो इसका हेडलाइट ऑन होने के बाद आपको जो है कुछ ऐसा लुक मिल जाता है, लो बीम हाई बीम इसके अंदर आपको मिल जाएगा, जैसा कि आप जो है यहाँ पर देख ही सकते हैं, लो बीम हाई बीम कुछ ऐसा जो आपको लुक मिलने वाला है।
और हेलोजन में यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबल इंडिकेटर मिल जाते हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। बाकी कुछ ऐसा फ्रंट लुक मिलता है और यहाँ पर आपको ऊपर जो है पायलट लैम्प भी हेलोजन में देखने को मिल जाते हैं। बाकी इसमें आपको सस्पेंशन, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट में सस्पेंशन मिल जाते हैं अच्छे खासे साइज में। दोनों ही साइड से रिफ्लेक्टर्स है। उसके बाद 280mm का डिस्क है, सिंगल चैनल ABS यहाँ पर आपको मिल जाता है। ब्लैक कलर में एलॉयज है, एलॉयज पर आपको स्टिकर देखने को मिल जाते हैं। और टायर 90x90 17 इंचेस अलॉय व्हील के साथ इसमें आपको C8 कंपनी का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। तो कुछ ऐसी चीज़ आपको फ्रंट से जो है 220F में देखने को मिल जाती है, जैसे कि पूरी बाइक को ही आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। बाकी यार कुछ ऐसे डिज़ाइन में यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है, पल्सर का 3D लोगो, बाकी ये सारे ग्राफिक्स टैंक पैड यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। और E20% इथेनॉल वाला इसमें आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पर आपको 15 लीटर के मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद सीट यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्प्लिट में सीट है, स्प्लिट में आपको ग्रैब रेल मिल जाते हैं। और बाकी स्टिकर्स वगैरह तो आपने पहले ही देख ली। यहाँ पर आपको सीट कुशनिंग अच्छी है, तो कंफर्टेबल सीट मिल जाती है राइडर प्लेन दोनों के लिए। उसके बाद रियर से आप बाइक को देख सकते हैं, यहाँ पर LED में आपको टेल लाइट मिल जाती है कुछ ऐसे लुक में। यहाँ पर आपको जो है नंबर प्लेट के लिए लाइट भी मिल जाएगी, सिंगल रिफ्लेक्टर, यहाँ पर नंबर प्लेट लगेगी। उसके बाद दोनों साइड से इंडिकेटर, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। और रियर में आपको नाइट्रॉक्स सस्पेंशन मिल जाते हैं, जो कि एडजस्टेबल है। कुछ ऐसे लुक में एग्जॉस्ट मिलता है, जिसका साउंड मैं आपको थोड़ी देर में सुनाने वाला हूँ। और रियर में यहाँ पर आप टायर देख सकते हैं, 120x80 17 इंचेस अलॉय व्हील के साथ C8 कंपनी के आपको यहाँ पर जो है ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। रियर में आपको 220 या फिर 30mm का डिस्क मिलता है। इसमें आपको ड्यूअल चैनल ABS नहीं मिलता, RLP सेंसर मिल जाता है, जो कि आपको काफ़ी सही ब्रेकिंग प्रोवाइड करता है। ड्यूअल चैनल ABS यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखना। उसके बाद इंजन की बात करते हैं, तो 220cc का इंजन मिल जाता है, BS6 Phase 2 अपडेट के साथ DTSI वाली टेक्नोलॉजी इसमें आपको मिल जाएगी। बाकी यार इंजन इसमें आपको ऑयल कूल टेक्नोलॉजी के साथ मिल जाता है। पावर फिगर की बात करते हैं, तो 20.4 PS की पावर और 18.55 Nm टॉर्क मिल जाता है। परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि सामने पल्सर है, तो बहुत ज़्यादा बोलने की वैसे ज़रूरत है नहीं, पल्सर 220 है। उसके बाद 165mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। इंजन काबुल है, उसके ऊपर आपको जो है ग्राफिक्स वगैरह सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। बाइक का कर्व वेट आपको 160 kg के आसपास मिल जाता है। सीट हाइट आपको 795mm यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बाकी यार यहाँ पर आपको साड़ी गार्ड इसमें मिल जाता है, लेडीज़ फुटरेस्ट शायद से आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सारी एक्सेसरीज पर लग चुकी है। उसके बाद ओपन चेन मिलती है, इस सेगमेंट में आपको यही चीज़ मिलेगी, तो मेंटेनेंस का यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद 5-speed का गियर बॉक्स आपको यहाँ पर मिल जाता है, 1 down और 4 up, जैसा कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। उसके बाद साइड स्टैंड है, साइड स्टैंड यहाँ पर आपको कट ऑफ फीचर भी मिल जाता है। अगर बाइक गियर में बाइक का स्टैंड नीचे है, तो बाइक जो है स्टार्ट नहीं होगी, स्टार्ट करना है तो स्टैंड को ऊपर करना पड़ेगा, उसके बाद भी जो है बाइक स्टार्ट होगी। और यहाँ पर आपको सेंटर स्टैंड भी मिल जाता है, तो ये सारी आपको चीज़ें मिल जाती है। सेफ्टी के लिए लेग गार्ड है, तो कुछ ऐसे फीचर्स आपको जो है ना बजाज पल्सर 220F 2024 लेटेस्ट मॉडल में मिल जाते हैं। ऑन रोड प्राइस, फीचर्स, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है, और बाइक का कुछ ऐसा नया यहाँ पर आपको लुक मिल जाता है। तो ये सारे फीचर्स के साथ न्यू पल्सर 220F बाइक आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी जाते जाते एक मेन चीज़ जो रहेगी है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे कि एग्जॉस्ट साउंड अभी सुनना बाकी है, उसके बाद करते हैं वीडियो को ख़त्म। तो ये है इसका इंजन साउंड, तो कुछ ऐसा इसमें आपको एग्जॉस्ट साउंड मिल जाता है। बाकी जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बाइक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और वीडियो के यहाँ तक ध्यान से देखने के लिए थैंक यू सो मच। खत्म, बाय बाय, टाटा।